हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग अमेजन EC2 इंस्टेंस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि इंटरव्यू में बहुत ही फ्रिक्वेंटली यहाँ पे पूछे जाते हैं। इससे पिछली वाली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें एक विंडोज बेस्ड EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है तो उसका प्रोसेस क्या है, साथ ही साथ हमने लिनक्स EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करके भी देखा था। तो अगर हम अमेजन EC2 इंस्टेंस की बात करें तो EC2 इंस्टेंट फॉर इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, और ये एक वेब सर्विस है जो एक सिक्योर रिसाइजेबल कंप्यूट कैपेसिटी प्रोवाइड करती है क्लाउड एनवायरनमेंट में। जब भी हम एक EC2 इंस्टेंस डिप्लॉय करते हैं AWS प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे AWS आपको एक वाइड चॉइस देता है, चाहे वो प्रोसेसर हो, स्टोरेज हो, नेटवर्किंग हो, या ऑपरेटिंग सिस्टम हो, या परचेज मॉडल हो। तो अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो जब हम EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो उस वक्त हमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की चॉइस मिलती है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की चॉइस मिलती है, साथ ही साथ हमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की भी चॉइस मिलती है। और AWS एक इकलौता क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है जहाँ पे आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉय कर सकते हैं अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर। अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो हमारे पास जो चॉइसेस हैं AWS के अंदर EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करते हुए, वो है इंटेल, AMD एंड आर्म बेस्ड प्रोसेसर। AWS ऑफर द फास्टेस्ट प्रोसेसर इन द क्लाउड, और जब भी हम एक EC2 इंस्टेंस यहाँ पर डिप्लॉय कर रहे हैं तो 400 Gbps इथरनेट नेटवर्किंग तक का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो एट प्रेजेंट अगर हम AWS के डेटा सेंटर्स की बात करें तो वो 24 रीजन्स में अवेलेबल है, साथ ही साथ 77 अवेलेबिलिटी जोन ग्लोबली अभी अवेलेबल है। तो ये डेटा चेंज होता रहता है, अगर आपको लेटेस्ट डेटा चेक करना है तो आप AWS की वेबसाइट पे जाके भी इसको एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हम अवेलेबिलिटी के SLA की बात करें, लेट से आप एक EC2 इंस्टेंस किसी रीजन में क्रिएट कर रहे हैं तो उसका अप टाइम SLA क्या है, उसकी अवेलेबिलिटी SLA क्या है, तो AWS आपको कमिटमेंट देता है 99.99% SLA फॉर द अवेलेबिलिटी। तो जब भी हम एक EC2 इंस्टेंस को यहाँ पर डिप्लॉय करते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला है EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोर और दूसरा है इंस्टेंस स्टोर। तो ये दोनों टर्म क्या है, किस तरीके से ये काम करते हैं, जब भी हम स्टोरेज के मॉड्यूल को यहाँ पर कवर अप करेंगे उस वक्त हम इसे डिटेल में यहाँ पर समझेंगे। तो प्री कन्फिगर्ड टेम्पलेट आर अवेलेबल एंड नोन एज अमेजन मशीन इमेज। तो जब भी हम एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं और पर्टिकुलरली एक ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इमेजेस अवेलेबल हैं, तो इन इमेजेस को हम बोलते हैं अमेजन मशीन इमेज। और आप देखेंगे कि एक वाइड रेंज ऑफ प्री कन्फिगर्ड टेम्पलेट आपके पास अवेलेबल है जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी EC2 इंस्टेंस को डिप्लॉय करने के लिए। आप AWS के अंदर किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर एक टाइम पे 20 से ज़्यादा EC2 इंस्टेंस यहाँ पे डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम 20 इंस्टेंस आप पर रीजन डिप्लॉय कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर आपको डिप्लॉय करना है तो आपको एक रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी AWS से। जब ये रिक्वेस्ट अप्रूव होती है उसी के बाद आप ज़्यादा EC2 इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो जो एक्सीडेंटल क्रिएशन है आप EC2 इंस्टेंस, लेट से किसी ने एक्सीडेंटली कोई 50 EC2 इंस्टेंस एक रीजन में यहाँ पर डिप्लॉय कर दिए, तो इस केस में क्या है कि बिलिंग भी जनरेट होगी। तो इस तरीके की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए एक कैप यहाँ पे लगाया गया है AWS के थ्रू, ताकि आपको इस सिचुएशन से प्रोटेक्ट किया जा सके। तो अगला पॉइंट यहाँ पे है कि व्हेन EC2 इज इन स्टॉप्ड स्टेटस नीड टू पे फॉर वॉल्यूम अटैच्ड विद इट। हम जानते हैं कि जब भी हम एक EC2 इंस्टेंस डिप्लॉय कर रहे हैं तो वो बैक एंड में AWS के किसी डेटा सेंटर्स के अंदर जाके यहाँ पर डिप्लॉय हो रहा है। सपोज ये AWS का डेटा सेंटर है और इस डेटा सेंटर के अंदर एक फिजिकल सर्वर यहाँ पे है, और जब आप एक EC2 इंस्टेंस यहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं तो बेसिकली वो EC2 इंस्टेंस डिप्लॉय हो रहा है इस फिजिकल सर्वर के अंदर बैक एंड में। तो जब भी हम एक EC2 इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो हम इंस्टेंस टाइप भी यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, तो इंस्टेंस टाइप के बेस पे आपके इस EC2 इंस्टेंस की कॉन्फ़िगरेशन, बेसिकली जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, वो यहाँ पे डिटरमाइन होती है। तो जनरली होता क्या है, जो ये फिजिकल सर्वर है, इस फिजिकल सर्वर पे आपकी फिजिकल रैम है, फिजिकल CPU है, और बाकी के जो हार्डवेयर कंपोनेंट है, फिजिकल कंपोनेंट, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। और इस फिजिकल सर्वर के ऊपर हाइपरवाइजर यहाँ पे इंस्टॉल है। तो हाइपरवाइजर क्या है, हाइपरवाइजर एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप किसी फिजिकल सर्वर के अंदर वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं, साथ ही साथ जो वर्चुअल मशीन के लिए जो वर्चुअल रिसोर्सेज चाहिए, ये हाइपरवाइजर
मदद करता है कि जो फिजिकल रिसोर्स है उनसे वो रिसोर्सेस एक्सट्रैक्ट हो गए इस वर्चुअल मशीन पे जाके यहाँ पे अलाइन हो जाए। कहने का मतलब, लेट से अगर इसके लिए आपको वर्चुअल सीपीयू चाहिए, तो ये जो वर्चुअल सीपीयू है आपका हाइपरवाइजर इस फिजिकल सीपीयू से एक्सट्रैक्ट करेगा और इसे अलाइन कर देगा आपके इस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस के साथ। इस डायग्राम को एक बार मैं लेबल कर लेता हूँ। ओके, तो इस डायग्राम को मैंने लेबल कर लिया है। अगर हम मेमोरी की बात करें, सपोज इस EC2 इंस्टेंस पे आपने जो इंस्टेंस टाइप लिया था उसके थ्रू आपको जो मेमोरी यहाँ पे असाइन हो रही है वो 2 GB है। तो इस केस में क्या होगा, जो 2 GB है वो एक वर्चुअल रैम यहाँ पे बेसिकली अलाइन हो रही है इस EC2 इंस्टेंस के साथ। तो बेसिकली ये हाइपरवाइजर फिजिकल रैम को एक्सट्रैक्ट करेगा इन वर्चुअल रैम और इसे ले जाके अलाइन कर देगा आपके इस EC2 इंस्टेंस के साथ। तो ये आपकी एक तरीके की वर्चुअल मेमोरी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे स्टोरेज की बात करें, तो स्टोरेज के केस में सपोज जब मैं ये EC2 इंस्टेंस यहाँ पे डिप्लॉय कर रहा था और मैंने यहाँ पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए इमेज लिया, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में क्या होता है कि एक 30 GB का वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट होता है जो आपकी बेसिकली सी ड्राइव होती है, ठीक है। और इसी सी ड्राइव के अंदर जाके ऑपरेटिंग सिस्टम आपका डिप्लॉय होता है। ये जो पीस ऑफ 30 GB है, एक्चुअली ये कहाँ से अलाइन होता है, यहाँ पे लेट से ये आपका AWS स्टोरेज है और इस AWS स्टोरेज से एक पीस ऑफ 30 GB यहाँ पे अलाइन होता है आपके EC2 इंस्टेंस के साथ। तो अगर इसको समझा जाए, ये एक तरीके से शॉर्टकट है। सपोज इस पे आपने जो ड्राइव लेटर असाइन किया है वो है सी ड्राइव, तो सी ड्राइव एक तरीके का यहाँ पे शॉर्टकट है। तो अगर मैं अपने EC2 इंस्टेंस के अंदर जाके सी ड्राइव पे क्लिक करता हूँ, सी ड्राइव के अंदर लेट्स से एक फाइल को मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, तो बेसिकली वो फाइल जाके स्टोर कहाँ पे होती है, AWS स्टोरेज के अंदर। जो एक्चुअल अलाइनमेंट है हार्ड डिस्क का वो यहाँ पे है, तो आपकी जो फाइल स्टोर होगी वो होगी यहाँ पे। तो लेट्स से अगर आपको इस फाइल को एक्सेस करना है, तो उस केस में भी आप इसको एक्सेस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर AWS स्टोरेज के 30 GB जो स्पेस यहाँ पर अलाइन हुआ है उसके थ्रू। बीच में ये नेटवर्क कनेक्टिविटी है, जब भी आप डेटा को स्टोर या रिट्रीव करते हैं तो इसी नेटवर्क कनेक्टिविटी के थ्रू आपका डेटा यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, राइट। तो जब भी हम ये बोलते हैं कि हम अपने EC2 इंस्टेंस को यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं, तो स्टॉप करते वक्त क्या होता है कि जितने भी इसके साथ रिसोर्सेज अलाइन है, कौन से रिसोर्सेज, लाइक वर्चुअल CPU, वर्चुअल मेमोरी, जो आपके फिजिकल सर्वर से एक्सट्रैक्ट हो गए हाइपरवाइजर ने इन द फॉर्म ऑफ वर्चुअल रिसोर्सेज इस EC2 इंस्टेंस के साथ यहाँ पे अलाइन किए हुए हैं, तो ये जितने भी सारे के सारे रिसोर्सेज हैं ये यहाँ से डीएलोकेट हो जाते हैं। डीएलोकेट का मतलब ये रिलीज हो जाते हैं और इस EC2 इंस्टेंस के साथ देन अटैच नहीं होते हैं स्टॉप केस में। लेकिन अगर हम अपनी वॉल्यूम की बात करें, EBS वॉल्यूम की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये अभी भी यहाँ पे मैप्ड है। इसीलिए जब भी हम किसी EC2 इंस्टेंस को स्टॉप करते हैं तो जो बाकी के रिसोर्सेज हैं उनकी बिलिंग तो यहाँ पे स्टॉप होगी क्योंकि वो सारे के सारे रिसोर्स यहाँ पे डीएलोकेट हो चुके हैं, लेकिन जो आपकी वॉल्यूम है वो वॉल्यूम अभी भी इस EC2 इंस्टेंस के साथ अटैच है, क्योंकि हो सकता है इस पे आपका डेटा पड़ा हो। अगर ये भी डीएलोकेट होगा तो आपका डेटा यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो ये भी जब आप इसको स्टॉप करते हैं EC2 इंस्टेंस को, तो ये वॉल्यूम अभी भी यहाँ पे अटैच है। तो इसलिए इवन इन स्टॉप स्टेट आपको इस पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए आपको पे करना पड़ता है, क्योंकि ये वॉल्यूम अभी भी आपके EC2 इंस्टेंस के साथ यहाँ पे अटैच है। और सेम फैक्ट एक्चुअली इस लाइन के थ्रू यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि व्हेन EC2 इज इन स्टॉप्ड स्टेटस नीड टू पे फॉर वॉल्यूम अटैच्ड विद इट। अगर आप चाहते हैं कि आपके EC2 इंस्टेंस से रिलेटेड बिलिंग टोटली स्टॉप हो जाए, तो आप इस वॉल्यूम को या तो डिटैच कर सकते हैं या पूरे के पूरे EC2 इंस्टेंस को आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे EC2 इंस्टेंस के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।